नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चंदेश टैक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इसे वीडियो में सीखेंगे बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, यानी कि उसे बंद कैसे करते हैं। इसके लिए जो है आपके पास जो है मोबाइल का बीओबी वर्ल्ड का इंटरनेट बैंकिंग चालू होना चाहिए, जो कि आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन से चालू कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी चालू है, इसके लिए मैं इसको लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को आप जो है डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र या गूगल ओपन कर लेना। मैं क्रोम ब्राउज़र को टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग, मारेंगे सर्च तो ये वेबसाइट जो है इसका खुल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगा। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सीधा इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट है जिसको मैं ओपन किया। ठीक है, ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेट बैंकिंग लिखा और जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है इसको आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो इस प्रकार आपका पेज खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे टच करना है। अगर आपके पास पहले से इंटरनेट बैंकिंग का आईडी नहीं बना हुआ है तो आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में जाके आईडी आप बना सकते हैं, या फिर एटीएम मशीन पे जाके इंटरनेट बैंकिंग का आईडी आप बना सकते हैं, जो कि बीओबी वर्ल्ड बीओबी का जो एटीएम मशीन होता है वहाँ पर बन जाएगा। तो मैं इसको लॉगिन, मेरा ऑलरेडी आईडी बना हुआ है तो मैं इस पर सीधा लॉगिन करता हूँ। आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से कैसे आईडी बनता है, मैं पूरा बता दूंगा आपको। बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग जो है ये वाला, इसको ओके करेंगे, फर्स्ट वाला ये ओके करेंगे तो यहाँ पे अपना मैं यूज़र नेम डाल के लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ अपना, इसके यूजर नेम डाल दिया। अभी मैं लॉगिन पर टच करता हूँ, लॉगिन पर टच करूँगा तो इस प्रकार जो है आएगा। तो आप फिर से मैं लॉगिन पासवर्ड, साइन इन पासवर्ड मैं डालूँगा और कैप्चा डालूँगा, फिर लॉगिन हो जाऊँगा। ये साइन इन पासवर्ड इधर रहेगा और कैप्चा जो है यहाँ पर डाल के फिर लॉगिन पर मैं टच करूँगा। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ रहेगा तो मैं साइन इन पर टच करके मैं अपना जो रियल पासवर्ड है वो डालता हूँ। पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पासवर्ड। अभी मैं कैप्चा डाल रहा हूँ जो कि आपका अलग कैप्चा होगा, तो मैं अपना कैप्चा डालता हूँ फिर लॉगिन पे टच करता हूँ। यहाँ पे कोई ओटीपी का ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिया से बाहर हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, हमारे नंबर पर ओटीपी नहीं जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ओटीपी जाता है, उसके बाद से आप इंटरनेट बैंकिंग से सारा बैंक का काम जो है ये घर बैठे आप कर सकते हैं। मैं लॉगिन पर टच करता हूँ, लॉगिन पर टच करूँगा तो इस प्रकार जो है इंटरनेट बैंकिंग का बैंक ऑफ बड़ौदा का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को डी रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे सर्विस पे टच करना होगा। यहाँ पे तो सर्विस पर मैं टच कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, फिर से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल बैंकिंग बीओबी वर्ल्ड, इसको आपको टच करना है। तो मैं इसको टच करता हूँ, इसे टच करने के बाद इस प्रकार जो आपका आएगा। तो यहाँ पर आता है री ट्रांजेक्शन पिन एक्टिवेशन की डी रजिस्ट्रेशन पे आपको टच करना है। डी रजिस्ट्रेशन पे टच करेंगे फिर से उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट कस्टमर आईडी लिख के आएगा, तो यहाँ पे टच करके आपको आपका कस्टमर आईडी जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आपको डी आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है नेट बैंकिंग से संबंधित, आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा, फ्री में आपको मैं करके दूँगा। ठीक है, इसके लिए जो है आप जो है अभी जो कस्टमर आईडी सिलेक्ट हो गया, अभी कंटिन्यू पे मैं टच करता हूँ। कंटिन्यू पे जब टच करेंगे तो यहाँ पे रीमार्क ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑल अकाउंट लिंकिंग द सिलेक्टेड कस्टमर आईडी विल बी डी रजिस्टर्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पे आप क्यों बंद करना चाहते हैं बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को, यहाँ पे लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, ये लिख दिया बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन, बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और आप जो है नेट बैंकिंग बनाते टाइम आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और डालने के बाद जो है सबमिट पे टच कर देंगे तो आपका जो है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है
डीएक्टिवेट हो जाएगा। और आप फिर से चालू करना चाहते हैं तो आप बी ओ बी वर्ल्ड एप्लीकेशन में जाके आप फिर से उसको जो बी ओ बी वर्ल्ड एप्लीकेशन को आप चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप अपने जो है बी ओ बी वर्ल्ड एप्लीकेशन का डीरजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।